अर्न टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा वकास। नाज़रीन, हम आज आपको सैर कराएंगे इस्लामाबाद के एक बहुत ही खूबसूरत मकाम सैदपुर गांव की। नाज़रीन, सैदपुर गांव इस्लामाबाद के तमाम अज़ला में अपनी खूबसूरती आप रखता है। इस्लामाबाद के इस गाँव में इस गाँव के बहुत ही अच्छे मनाजिर हैं, जिसमें सबसे पहले तो मंदिर आता है। हम यहाँ पे करेंगे कुछ सयाहों से मुलाकात और उनसे करेंगे सवालात के वो क्या कहते हैं इस मकाम के बारे में। तो आइए। जी, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि वो यहाँ पे आए हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, कितनी बार आ चुके हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं? जी, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो आप यहीं इस्लामाबाद से? जी, इस्लामाबाद से ही हूँ, लेकिन इस लोकेशन पर कभी गौर नहीं किया कि यहाँ भी हमें जाना चाहिए। तो कैसी जगह आपको लगी, आप घूम चुके हैं? जी, बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह है ये, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। लेकिन यहाँ पे जो है ये इसकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है जो इसकी, देख के इस पर अफसोस होता है कि पढ़े लिखे और अच्छी खासी आवाम यहाँ पे आती है और आके जितना भी वो कचरा है, ट्रैश है, वो यहीं पे डंप करके चले जाते हैं। प्रॉपर डस्टबिन वगैरह में डिस्पोज ऑफ नहीं करते किसी चीज़ को, तो इस चीज़ को देख के बड़ा अफसोस होता है। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए? नहीं, मैं काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो आप इस्लामाबाद में रहते हैं? बेसिकली मैं कराची से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में हो गई हूँ। ये जगह आप मुझे बताएं क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी आ चुकी हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर जो लोग हैं इतने अच्छे नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेंटेनेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं है। तारीखी जगह है, उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए था कि टूरिस्ट जो आते हैं उनके निगाह में कुछ अट्रैक्शन हो, बट वही है कि यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं होती है। लोग सिर्फ गवर्नमेंट है, पैसे खा रही होती है, लेकिन ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही होती है, तो ये मज़े की चीज़ नहीं है। उनको थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहिए साथ साथ। आप तो यहाँ काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं, तो ये नीचे खाना, फूड कोर्ट है, ये आपने खाया यहाँ से कभी? कैसा खाया? देसी फूड है, अच्छा फूड है, और सारे रेस्टोरेंट, दो तीन रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से, तीनों का बहुत अच्छा है। मैं खड़ी हूँ धर्मशाला के आगे। धर्मशाला हिंदू ज़बान का लफ्ज़ है, इसको हम उर्दू में मदरसा बोलते हैं। तो क्या मैं पाकिस्तान के वक्त, उससे पहले कि अगर हम बात करें, तो हिंदू यहाँ आते थे, वो यहाँ पे स्टे करते थे और सामने मंदिर में जाते थे पूजा के लिए, और साथ ही सिखों के लिए गुरुद्वारा है। तो इसके अंदर से हम आपको दिखाते हैं कि क्या है, लेकिन उस टाइम पे, उसके बाद क्या मैं पाकिस्तान के बाद 56 साल तक यहाँ पर प्राइमरी स्कूल रहा, यहाँ पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे। पर इसके अंदर अब कुछ तस्वीर मौजूद हैं, इसकी दीवारों पर कुछ तस्वीर हैं, तो आइए हम उन तस्वीर को देखते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तस्वीर है, ये सैदपुर विलेज की है, ये पूरा जो विलेज, जो पूरा गांव है, उसकी तस्वीर है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर रेनोवेशन की अगर हम बात करें। ये बताया गया है कि लाहौर कॉलेज से भी विज़िट, इस्लामाबाद विज़िट करने के लिए आते थे लोग, और वो यहाँ पे सैदपुर विलेज आते थे, उनके प्रॉपर टूर आते थे लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से आएँ? मैं यूके से आई। तो यहाँ पे आप पहली बार आई हैं? मैं सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन इन साइड इधर मैं पहली बार आई हूँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार का पहले बताएं, फिर दूसरी बार? तो बाहर से देख के चल गए हैं खा पी के, लेकिन ये अंदर आने का जो एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे लिए ब्यूटीफुल है रियली, कि मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर वो सारी पहली की भी हिस्ट्री की भी पहली जो चीज़ें हैं वो भी हैं, और जो उन्होंने इसको इम्प्रूव किया या नहीं बना ये भी है, ये डिफरेंस था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने मोरक्को में ऐसी कोई चीज़ देखी है,
और इधर भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मतलब देख के कि आप चेक कर सकते हैं कि कितने साल पहले ये सैदपुर कैसा था और अब कैसा है, इसमें क्या क्या होता था, वो जैसे क्लासें स्कूल की और डिफरेंट चीज़ें आप देख लें कि मतलब इसे ब्यूटीफुल अमेजिंग है। तो आपको इसकी हिस्ट्री का पता है, इस टेम्पल की हिस्ट्री का कुछ अंदाज़ा नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ ये पता है कि जी सैदपुर विलेज बाय है, एक तरफ मॉडर्न है, एक तरफ वो ट्रेडिशनल है, तो जस्ट पीपल आते हैं और खाते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुझे ये अंदर इस चीज़ का नहीं पता था। सैदपुर के एक कदीम तरीन मंदिर में, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो 150 से 200 साल पुराना मंदिर है और पाकिस्तान बनने के बाद इस मंदिर को 56 साल तक प्राइमरी स्कूल बना दिया गया था और 56 साल बाद 2005 में इसकी अगर हम बात करें तो 2005 में इसको वापस इसकी असली हालत में लाया गया और असली हालत में उसको रेनोवेट करके अब ये इस हालत में मौजूद है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, आके पिक्चर्स लेते हैं, इसको देखते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो आइए हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे अच्छी मेंटेनेंस करती थी, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको रिवैम्प किया था, रिफर्बिश किया था, सारा ओवरऑल बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन अब जो है कोई केयर नहीं हो रही काफ़ी कुछ 4-5 सालों से, रास्ता भी काफ़ी टूट फूट गया है, जगह गंदी हो गई है। तो आई थिंक एक प्रॉपर इसके लिए एक टीम होनी चाहिए जो इसकी टेक केयर करे। तो आपको हिस्ट्री का पता है टेंपल की या गुरुद्वारे की, कुछ हिस्ट्री के बारे में आप बचपन से आ रहे हैं? वो मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की लेकिन ये इतना पता है कि ये एक गुरुद्वारा है और यहाँ पे सिख बरादरी यहाँ पर आके इबादत करती रही है और यहाँ पर शूटिंग्स भी होती रही हैं। यहाँ पे एक PTV का ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था लाख के नाम से आई गेस, तो काफ़ी हिस्ट्री तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे ज़्यादा डिटेल इसका पता नहीं है। जी नाज़रीन, आज हमने आपको सैर कराई मरगला की पहाड़ियों में मौजूद सैदपुर गांव की। सैदपुर गांव इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद आपको भी पता है इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। अगर हम बात करें यहाँ के मकामी इलाकों की, सैदपुर गांव के मकामी इलाकों की, तो सबसे पहले तो मंदिर आता है। मंदिर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर मौजूद है, उसी के साथ एक गुरुद्वारा है और उसी के साथ धर्मशाला है। गुरुद्वारे की हिस्ट्री, धर्मशाला की हिस्ट्री हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही तादाद में रोज़ लोग आते हैं, अपने जो है वो मुल्क की खूबसूरती देखते हैं, अपनी हिस्ट्री को पसंद करते हैं। आज भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। इसी के साथ बिल्कुल मंदिर के साथ ही हमारे पास फूड कोर्ट मौजूद है। फूड कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा देसी खाने हैं, देसी खाने लोग आते हैं यहाँ पर खाते हैं। यहाँ पर शाम के मनाजिर की अगर हम बात करें तो शाम के भी बहुत अच्छे मनाजिर हैं। शाम को यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स लगा दी जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सॉन्ग्स लगाए जाते हैं, मधम म्यूज़िक चलाया जाता है जो लोग पसंद करते हैं। लोग यहाँ बैठते हैं, लोग जाते हैं, लोग बात करते हैं, लोग पिक्चर्स लेते हैं। इसी के साथ कैमरामैन मलिक नकाश और अपनी मेज़बान लाइबा वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।